सो गाइस पाल वर्ल्ड गेम जिसे रिलीज होते ही 1.5 करोड़ लोगों ने खरीद लिया और सबसे जबरदस्त सर्वाइवल गेम बन गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जबरदस्त गेम की तरह ये गेम भी सिर्फ पीसी पर रिलीज हुआ, जिसकी वजह से मोबाइल गेमर्स को अपने मोबाइल में सिर्फ उसका गेम प्ले देखना पड़ रहा है। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा एक हफ्ता लगाकर मैंने पाल वर्ल्ड के ऐसे बहुत ही जबरदस्त 1, 2 या फिर 5 नहीं बल्कि पूरे टॉप 10 रियलिस्टिक सर्वाइवल गेम्स को ढूंढ निकाला है जो आपको पाल वर्ल्ड के जैसा और कुछ गेम्स तो उससे भी जबरदस्त एक्सपीरियंस कराएंगे, वो भी आपके मोबाइल में। सो अगर आपको सर्वाइवल गेम्स पसंद है या फिर बचपन में आपका फेवरेट कार्टून ये था तो इस वीडियो के हर एक गेम को आप जरूर से खेलना चाहोगे, और जिन्हें सिर्फ पाल वर्ल्ड ही खेलना है तो उनके लिए वीडियो में एक खतरनाक चीज है। सो आप बस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि ये पाल किस पोकेमॉन की कॉपी है, और तब तक हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फिर से एक बार वीडियो में आपके इंटरेस्ट और लालच को बढ़ाने के लिए और वीडियो में आगे आपको कैसे गेम देखने को मिलेंगे ये बताने के लिए मैं 3rd नंबर वाले गेम को 10th नंबर बता रहा हूँ, जिसका नाम है पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट। सो सबसे पहले तो ये एक हाई एंड पोकेमॉन गेम है जो आपको पाल वर्ल्ड का एकदम हाई एंड एक्सपीरियंस करा देगा, क्योंकि इस गेम में आपको सभी रियल पोकेमॉन देखने को मिलते हैं जिन्हें आप रियल पोकेबॉल से पकड़ सकते हो, उनसे फाइट कर सकते हो, उनके दूसरे पोकेमॉन से फाइट कर सकते हो और उन पर राइड भी कर सकते हो। साथ ही कुछ यूनिक पोकेमॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं। गेम में आपको बहुत ज्यादा बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है जहाँ पर इंसान भी देखने को मिलते हैं। सो अगर आपको एकदम रियल हाई ग्राफिक्स पाल वर्ल्ड के ऐसा पोकेमॉन गेम खेलना है तो ये गेम आपके लिए है, बट ये एक पीसी गेम है जिसे आपको अपने मोबाइल में कैसे खेलना है इस पर मैंने वीडियो ऑलमोस्ट रेडी कर दी है, और पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि अगर इस वीडियो पर 500 कमेंट्स पूरे कर दोगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा, बट अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में आगे कुछ चीजें बता दूंगा जिससे आप इस गेम को खेल सकते हो। तो 9th गेम है डार्क एंड लाइट। सो गाइस ये गेम भी पाल वर्ल्ड के ऐसा हाई ग्राफिक सर्वाइवल गेम है जिसमें आपको पाल वर्ल्ड के ऐसा ओपन वर्ल्ड जंगल वाला मैप देखने को मिलता है जहाँ पर आप पाल वर्ल्ड गेम की तरह सर्वाइव कर सकते हो, बट इस गेम में आपको क्यूट से पोकेमॉन्स की जगह पर बहुत सारे खतरनाक जानवर और अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनमें से कुछ को आप टेम करके उन पर राइड भी कर सकते हो, साथ ही पाल वर्ल्ड गेम की तरह उनसे फाइट भी कर सकते हो, और अगर आप उनसे नहीं लड़ोगे तो वो आपको मार देंगे। मतलब गेम की फिजिक्स भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। बाकी तो ये गेम एक कंप्लीट सर्वाइवल गेम है जिसमें आप खाना इकट्ठा करने से लेकर घर और वेपन्स क्राफ्ट करने तक सभी चीजें कर सकते हो। साथ ही इस गेम में आपको पाल वर्ल्ड के और भी जबरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जबरदस्त लेवल के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। सो इस गेम का साइज है 1.9 GB और गेम ऑफलाइन है, और 8 गेम तो और भी जबरदस्त है। सो 8th गेम है मॉन्स्टर हंटर स्टोरीज 2 जो कि पीसी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक है। सो गाइस अगर आपको पाल वर्ल्ड का ऐसा गेम ही खेलना है बट आपको पोकेमॉन ज्यादा समझ नहीं आते तो ये गेम आपके लिए है, क्योंकि इस गेम में आपको सभी चीजें पाल वर्ल्ड के ऐसे देखने को मिलती हैं, बस पोकेमॉन्स की जगह पर आपको डायनासोर जैसे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप मिल जाता है जहाँ पर आपको अलग तरह के छोटे बड़े चलने वाले उड़ने वाले बहुत सारे डायनासोर या मॉन्स्टर देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप पकड़ सकते हो, उन पर राइड कर सकते हो, उनसे फाइट कर सकते हो, साथ ही उनकी दूसरे डायनासोर के साथ भी फाइट कर सकते हो जैसे आपको पाल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और अगर आप किसी डायनासोर को पकड़ना नहीं चाहते तो आप उनके एग को इनक्यूबेट करके डायनासोर बना भी सकते हो। मतलब बाकी सभी चीजें आपको पाल वर्ल्ड के ही देखने को मिलती है। साथ ही गेम की ग्राफिक्स भी जबरदस्त हैं और गेम ऑफलाइन है, और गेम को खेलना कैसे है आगे बताऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा। सो गाइस अगर मैं कहूं कि 100% पाल वर्ल्ड के ऐसा कोई ऑफिशियल गेम पाल वर्ल्ड के रिलीज होने से पहले ही मोबाइल के लिए बनना शुरू हो गया था तो वो यही गेम है जिसका नाम है ऑरोरिया, जिसमें आपको हर वो चीज देखने को मिल जाती है जो आपको पाल वर्ल्ड में देखने को मिलती है। मतलब सर्वाइव करने से लेकर फार्मिंग और क्राफ्टिंग तक, और पाल वर्ल्ड के ऐसे रियलिस्टिक ग्राफिक्स और लोकेशंस तक, साथ ही पाल वर्ल्ड के ऐसे पास और पोकेमॉन्स देखने को मिलते ही हैं, बहुत सारे जानवर और क्रिएचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप पकड़ सकते हो, उन पर राइड कर सकते हो और उनसे काम भी करा सकते हो। साथ ही गेम में आपको ढेर सारे व्हीकल्स भी देखने को मिल जाते हैं, गेम में आप फाइट कर सकते हो, मिशंस कर सकते हो, अपना खुद का बेस क्राफ्ट कर सकते हो और भी काफी जबरदस्त फीचर देखने को मिल जाते हैं जिससे आप इस गेम को एक बेस्ट कंप्लीट पाल वर्ल्ड के ऐसा सर्वाइवल गेम कह सकते हो। लेकिन ये गेम अभी बीटा टेस्टिंग में है जिसके काफी सारे बीटा वर्जन आते रहते हैं और गेम भी काफी जल्दी रिलीज होने वाला है, सो इस गेम को तो आप बिना सोचे खेल सकते हो। सो 6th गेम का नाम है मैट्रिया। सो इस गेम में सबसे पहले आपको बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है, बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े पास या पोकेमॉन्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी लेवल वाइज बिल्कुल पाल वर्ल्ड की तरह, जिनसे आप अपनी खतरनाक एबिलिटीज का यूज करके लड़ सकते हो। गेम में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिन्हें आप इन गेम चेंज कर सकते हो और उनकी एबिलिटीज का यूज करके फाइट कर सकते हो। गाइस गेम में आप पोकेमॉन्स के साथ सिर्फ फाइट कर सकते हो, उन्हें कैप्चर या फिर राइड नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तो गेम में आपको सर्वाइवल, एक्शन और एडवेंचर भर भर के मिल जाएगा। गेम में ग्राफिक्स भी जबरदस्त हैं और इस गेम का साइज है 1 GB और गेम ऑफलाइन है, और ये गेम आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। सो गाइस पाल वर्ल्ड गेम में ग्राफिक्स और लोकेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलती हैं, और अगर आपको बिल्कुल पाल वर्ल्ड के ऐसे ग्राफिक्स और लोकेशन वाला सर्वाइवल गेम चाहिए तो 5th गेम आपके लिए है जिसका नाम है नो आज हर्ट। सो इस गेम में बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप मिल जाता है जहाँ पर आपको लोकेशन काफी हद तक पाल वर्ल्ड के ऐसे देखने को मिलती है, साथ ही गेम में आपको अलग तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स और एनिमीज भी देखने को मिल जाते हैं जिनसे आपको फाइट करनी होगी, और आप कुछ एनिमल्स को टेम करके उन्हें राइड भी कर सकते हो। गेम में आपको नॉर्मल फाइट से लेकर बॉस फाइट भी करनी होगी, साथ ही ढेर सारे मिशन भी कम्प्लीट कर सकते हो, अपना खुद का कस्टमाइज कैरेक्टर बना सकते हो जिसके पास अलग अलग एबिलिटीज होती है। गेम में आपको और भी जबरदस्त फीचर देखने को मिल जाते हैं और इस गेम के ग्राफिक्स तो नेक्स्ट लेवल हैं जिन्हें आप एडजस्ट भी कर सकते हो। सो इस गेम का साइज है 3.8 GB बट गेम आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा।
सो फोर्थ गेम का नाम है वॉल्जर्ग, जो कि पार्वल से एक साल पहले रिलीज हुआ था। लेकिन इस गेम में भी आपको पार्वल के ऐसा ओपन वर्ल्ड मैप, लोकेशंस और तो और डंजन लोकेशन भी मिल जाती हैं, जहां पर आप बॉस पोकेमोन से भी फाइट कर सकते हो। गेम में आपको ढेर सारे अलग अलग पोकेमोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप कैप्चर कर सकते हो, उनसे फाइट कर सकते हो, उन पर राइड कर सकते हो और उन पर राइड करते हुए भी फाइट कर सकते हो। साथ ही गेम में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। आप पूरे मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो, मिशंस का टास्क कंप्लीट कर सकते हो, ग्राफिक्स भी जबरदस्त लेवल के देखने को मिलते हैं। सो ये गेम भी आपको बिल्कुल पावर के ऐसा एक्सपीरियंस करा सकता है। सो इस गेम का साइज है 350 MB और गेम ऑनलाइन है। सो थर्ड गेम उनके लिए है जिन्हें सिर्फ पाल वर्ल्ड ही खेलना है। सो रियल पाल वर्ल्ड को अभी मोबाइल में खेलने के लिए आपको या तो थोड़ी मेहनत और टाइम लगाना पड़ेगा या फिर पैसे खर्च करने पड़े। सो अगर आप इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज कर सकते हो तो आप पाल वर्ल्ड को बहुत आराम से खेल सकते हो। सो बेस्ट और ऑफिशियल तरीका है कि एक्सबॉक्स का गेम पास खरीदो, ऐप में जाओ, गेम इंस्टॉल करो और प्ले करो, और वन मंथ का गेम पास आपको 800-900 रुपए में मिल जाता है। वैसे किसी और जगह से आप चीप में भी ले सकते हो। और अगर फ्री में खेलना है तो चिकी ऐप डाउनलोड करो, बैठ के एड्स देखो, अपनी बारी का वेट करो, फिर आप खेल सकते हो। और अगर ये सब नहीं करना है तो फर्स्ट और सेकंड गेम अभी बाकी हैं, जो आपको पार्वर से भी जबरदस्त एक्सपीरियंस करा सकते हैं। सो सेकंड गेम है आर्क सर्वाइवल। सो आपके कुछ भी कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्वल गेम का जितना भी सर्वाइवल वाला पार्ट है वो आर्क सर्वाइवल से इंस्पायर्ड है। कुछ लोग तो कॉपी भी कहते हैं। और यही नहीं, जिस तरह आप पार्वल में पाल से पोकेमॉन्स को कैप्चर या टेम करते हो, उन पर राइड करते हो, उनसे फाइट करते हो, साथ ही उनसे काम भी कराते हो, तो ये सभी चीजें आपको आर्क सर्वाइवल यानी इस गेम में भी देखने को मिलती हैं। बस आपको अलग अलग पोकेमॉन्स की जगह अलग अलग डायनासोर देखने को मिल जाते हैं। आर्क सर्वाइवल में आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स, रियलिस्टिक गेम फिजिक्स और बेस्ट सर्वाइवल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मतलब ये गेम आपको पार्वल के जैसा या उससे भी जबरदस्त एक्सपीरियंस कराएगा। सो इस गेम का साइज है 2.4 GB और गेम ऑफलाइन है, और सभी गेम्स का डाउनलोड आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर गेम की। सो जैसा कि पार्वर्ल्ड गेम से आर्क सर्वाइवल का सर्वाइवल वाला पार्ट मैच करता है, वैसे ही पार्वर्ल्ड में जो पोकेमोन वाला पार्ट है वो इस गेम यानी कि पोकेमोन लीजेंड आरसीएस से मैच करता है। क्योंकि इस गेम में सबसे पहले तो आपको सभी छोटे से लेकर बड़े वाले 200 से ज्यादा रियल पोकेमोन देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप रियल पोकेबॉल से कैप्चर कर सकते हो, उनसे फाइट कर सकते हो, उन पर राइड कर सकते हो। पूरी अलग से एक जबरदस्त स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। आप पूरे मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो, साथ ही बॉस पोकेमोन से भी फाइट कर सकते हो। सो अगर आपको एक कंप्लीट बेस्ट पोकेमोन सर्वाइवल गेम चाहिए जो आपको पार्वर्ल्ड का जबरदस्त एक्सपीरियंस करा दे, तो गेम आपके लिए बेस्ट है। बट ये भी 10th और 8th गेम की तरह पीसी गेम है, जो कि निंटेंडो स्विच पर भी अवेलेबल है। सो आपको अपने मोबाइल में निंटेंडो स्विच का कोई एमुलेटर डाउनलोड करना है, गेम का डाउनलोड लिंक तो आपको पता ही है कहां मिलेगा। सो बस गेम को एमुलेटर में ऐड करो और फिर खेलो। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चीज पर डिटेल वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप जितने भी गेम्स अभी स्क्रीन पर देख रहे हो इन्हें और भी जबरदस्त गेम्स को कैसे खेल सकते हो। सो आपको बस इस वीडियो पर 500 कमेंट्स पूरे करने हैं और वीडियो आ जाएगी। सो ओके गाइस, यही थे सबसे जबरदस्त पार्वल के ऐसे गेम्स जिन्हें ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। इसी वीडियो को जरूर से लाइक कर दो और जितने हो सके उतने ज्यादा कमेंट कर दो। और अगर आपको ये समझ नहीं आता कि क्या कमेंट करना है, तो आप बस मुझे कमेंट करके बताओ कि पार्वल का गेम प्ले आपने सबसे पहले किसके चैनल पर देखा था। और गाइस, हम 100K के बहुत ज्यादा करीब है, इसे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और अगर सबसे रियलिस्टिक ऑफलाइन सर्वाइवल गेम्स को खेलना चाहते हो तो राइट वीडियो पर क्लिक करो।